श्रीमा श्री अरविंद, ऑनलाइन श्री अरविंद पाठचक्रे योगदान करिथिबा भाई अपा मानक नमस्कार। आजिर आलोच्य विषय जत्कृपा तमहं वंदे, जत्कृपा तमहं वंदे प्रसंगरे आलोचना करिवा निमन्ते आंध्र प्रदेश विशाखापाटनार कुमार भाई कुमार चंद्र मिश्र को मु अनुरोध करुछि। कुमार भाई तंकर वक्तव्य प्रदान करंतु। परम प्रभु दुर्गावतार महाजोगी श्री अरविंदंकर चरण कमलरे कोटि कोटि प्रणाम। दिव्य जननी आनंदमयी चैतन्यमयी सत्यमयी महाशक्ति श्रीमांको पाद पद्मरे कोटि कोटि प्रणाम। आपण माने जो माने ए ऑनलाइन पाठचक्र रे योगदान करिसंती अपा भाई माने समस्तंकु मोर अनेक अनेक सम्मान सहृदय श्रद्धा और शुभेच्छा जनाउछि। आजिर आलोचनार विषय हला जत्कृपा तमहं वंदे। एही पदटी जो मूल श्लोकरु उद्धृत ता सहित आपण माने समस्ते परिचित। से श्लोकटी हला गीतार ध्यान प्रार्थनारे अष्टम श्लोक। से कहुचि सेठी कुहाइचि मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं जत्कृपा तमहं वंदे परमानंद माधवम्। यार अर्थ हला जहांक कृपा मूककु वाचाल करे पंगुकु पर्वत लंघन कराए मु सही परमानंद माधव को वंदना करुछि। माधव मा हेले लक्ष्मी, धव अर्थ पति, लक्ष्मी को पति बा श्री विष्णु। श्री विष्णु को मु प्रणाम करुछि, मोर मु तांको वंदना करुछि। ए जो कृपा कथा इथि कुआ गला से कृपा विषय रे आमे टिके तार विभिन्न दिग आलोचना करिबा। दिव्य कृपा, भागवत करुणा, अनुग्रह, प्रसाद ए सबु पद एक अर्थ बाचक, सबु सबुर अर्थ गोटिए। प्रसाद कहिले दिव्य कृपा को ही बुझाई थाए, ताहा देवदेवी मानंकु अर्पित खाद्य नुहे। जदियो सही अर्थरे आमे से पदटी को अनेक थ व्यवहार करिथाउ, जेपरी जगन्नाथंकर महाप्रसाद, विष्णुंकर प्रसाद, महादेवंकर प्रसाद, कदळी नडिया इत्यादि। श्रीमद् भागवत गीतारे कुहा जाइछि मच्चित्त सर्वदुर्गाणि मत् प्रसादात् तरिष्यसि। यार अर्थ हला भगवान कहुचंती मोठारे चित्त समर्पण कले मोर प्रसाद जोगु मत् प्रसादात् मोरी कृपा जोगु सकल संकट कु अनायासरे पार होइजिबो। एति प्रसाद अर्थ दिव्य कृपा। पुणी से श्रीमद् भागवत गीतारे कुहाइछि त्वमेव शरणं गच्छ सर्वभावेन भारत तत्प्रसादात् परां शान्तिं स्थानं प्राप्स्यसि शाश्वतम्। श्रीकृष्ण अर्जुन को कहुचन्ति हे भारत तुम्हें सबु प्रकारे सर्वत भावे सही परमेश्वर कठारे ही शरण जाओ। से परमात्मा प्रसाद तत्प्रसादात् से कृपा जोगु तुम्हें परम शांति तथा सनातन परम धाम प्राप्त हेब, प्राप्स्यसि शाश्वतम्। दिव्य कृपार अभिधानिक अर्थ हला बा डिक्शनरी मीनिंग हला भगवान अहेतुकी अनुग्रह। दिव्य कृपा हला एक उद्बुद्ध प्रेरणादायक शक्तिप्रद दिव्य प्रभाव, यहाँ अनुग्रह बोली कहुपे। जेपरी भगवद गीतार एकादश अध्याय प्रथम श्लोक अर्जुन कहते मदनुग्रहाय परम गुह्य मध्यात्म संगीतम जत् प्रयोक्तम वचस्तेन मोहयम विगतो मम। अर्जुन कहले मदनुग्रहाय अर्थात
मो प्रति अनुग्रह प्रकाश करिबा निमित्त ए जो परम गोपनीय अध्यात्म विषयक वचन आपण कहिले तद्वारा मोर एक अज्ञान नष्ट हो पारिछि। तेणु अनुग्रह कहिले भी से दिव्य कृपा को ही बुझाए। आमे एही दिव्य कृपा संपर्क रे तो आलोचना करिबा। एही दिव्य कृपार स्वरूप कौन, कृपार योग्य हवा पई शर्त सब कौन, केउ धारा रे दिव्य कृपा कार्य करे, कृपा केते प्रकार रो होई पारे, एही परी किछि प्रश्न रो उत्तर खोजिबा पई प्रयास करिबा। दिव्य कृपार अनेक संज्ञा रहिछि। आध्यात्मिक जीवन रे कृपा एक वास्तव अनुभूति, कृपा बिना किसी भी संपादित हुए ना। समग्र सृष्टि कृपा द्वारा संचालित, सूर्यालोक पर यह स्वतस्फूर्त सर्वत्र विचरित, यह सर्वदा सर्वत्र समान भाव क्रियाशील, यार क्रिया और प्रभाव अकाट्य अबाधित सर्वशक्तिशाली, कौनसी एक गुप्त रहस्यमय उत्सरु यह एक अहेतुकी हस्तक्षेप रूपे अनुभूत होता है। यार अव्यर्थ अभ्रांत क्रियारु मन हो पारे यह ही डिवाइन जस्टिस बा दिव्य न्याय। किंतु आध्यात्मिक इतिहास कहे जे सबुठ बड़ पापिष्ट मध्य दिव्य कृपार पात्र हो पारती। यह पात्र अपात्र मध्यरे भेद निर्णय करी कार्य करे नहीं, केवल यह ही दिव्य न्याय को अर्थात डिवाइन जस्टिस को परिवर्तित करी दे पारे। यह मानुषी धारा रे कार्य करे नहीं, यहार पश्चात रे कार्य कारण रो कौनसी युक्ति न थाए, यहार क्रिया अति अद्भुत आकस्मिक विचित्र अहेतुकी और सर्वशक्तिशाली, समस्ते भगवान कृपा और करुणार पात्र, अथच दिव्य करुणार क्रिया सर्वदा दयार्द्र और सुख प्रदायक हो न थाए। एकदा अभिप्सु सम्मुखीन होता घोर विपत्ति परवर्ती काल रे एक दिव्य करुणार अमोघ क्रिया बोली प्रतिपादित हो पारे, तेबे भी यार क्रिया खामखियाली नुहे, यार निजस्व किसी विधान रही जहा बुझा मानुषी बुद्धि बहिर्भूत, एपरिक विश्व विधान को कॉस्मिक लॉ आम कहीपर लॉ ऑफ द नेचर विश्व प्रकृतिर जो नियम रही भी उल्लंघन कर दे पारे। अतत यार क्रिया रहस्यमय और आश्चर्यजनक मन हो पारे। विश्व विधान बा तो कॉस्मिक लॉ से जदि हाईकोर्ट हुए तबे दिव्य कृपा है सुप्रीम कोर्ट। जदियो दिव्य कृपार क्रिया सर्वशक्तिशाली तबे भी यह प्रकटित होगापी गोटे पूर्व प्रस्तुति रही था जहाँ को आम कहीपर स्टेट ऑफ ग्रेस परदार अंतराल प्रस्तुति चली था। साधकर पूर्ण सम्मति व्यतिरेके कृपा कार्य करे नहीं। साधक निजे चाहिमा उचित तापर विश्वास रखा उचित। कृपा निमित्त एपरी पूर्ण सम्मति देवा ही यथार्थ साधना। कृपा सबकि पारे किंतु व्यक्ति मध्यम विश्व प्रकृतिर शर्तानुजायी तहार शक्ति कार्य करे। महाजोगी श्री अरविंद द्वारा प्रणीत माँ बही मातृ उपनिषद प्रथम अध्याय परम भागवत करुणा क्यों शर्त कार्य करिपारे तहार विस्तृत वर्णना करा जाइछि। सेथिरे 14टी पाराग्राफ बा 14टी अनुच्छेद रे एही शर्त सब उल्लेख करा जाइछि। समय स्वल्पता दृष्टिरु सुधी वृंद सुधी श्रोता वृंद ताहा निजे अनुध्यान करिपारिबे। आरंभ होइछि जेपरि परम भागवत करुणा कार्य करिपारे केवल ज्योति और सत्यर विधान को आश्रय करी इत्यादि। एक दुई तीन तारी आपण जदि देखिबे प्रत्येक अनुच्छेद होची गोटाए शर्त दिव्य कृपा निमित्त, दिव्य कृपा और व्यक्तिगत प्रयास नितांत आवश्यक।
गुरु किंबा भगवान कृपा ढाली दे पारंती किंतु साधक से उन्मीलित रही आवश्यक साधक पक्षे परम निष्ठार सह पूर्ण उन्मीलन आवश्यक किंतु बातायन सकल अर्थात आमर जो कबाट झरका इत्यादि बंद कर दे आम जदि रुद्ध कोठरी भितर निजक आबद्ध कर रखा तेरे सूर्यालोक किपर पाइबा ठीक से हीपरी साधक जदि सत्तार क्षुद्रता मध्य निजक आबद्ध कर रखि था गोटे संकीर्ण चेतना भितर बास कै तेरे कृपा क्रियाशील हुए ना से क्षेत्र में कृपा उपर दोषारोप कर पारे सगर बक्षर पोतर पाल न टाणिले अनुकूल पवन सहायता मिले ना क्वचित व्यक्ति को कृपा वंचित करे बरम अनेक निजक कृपा ठारु वंचित कराई नियंती आवश्यक कृपार उपयुक्त हवापाई जोटा को आम कहले स्टेट ऑफ ग्रेस यह आवश्यक है परम स्वच्छता ट्रांसपेरेंसी जार अन्य नाम निष्ठा व आंतरिकता अकुंठ समर्पण क्रम आरोहणक्षम अभिप्सा एवरराइजिंग एस्पिरेशन आवाहन और आकुल प्रार्थना यह सब कृपा को आकर्षित करे कृपा प्राप्त हेले मध्य तापरे अनेक किछि साधना करिवार बाकी रही था पूर्ण विश्वास और भरोसार सह ताको स्वीकार करिवा ताहार क्रिया को लक्ष्य करी कृतज्ञता ज्ञापन करिवा और कृतकृत्य हेबा हला परवर्ती पदक्षेप जदि दिव्य कृपा प्राप्त हेला परे जणे कृतज्ञता ज्ञापन न करे ताहले अन्यथा कृपार प्रवाह व्याघात घटे से गोटाए हर गोटाए सुजोग हर बसे से प्रत्येक कृपा प्राप्त हेला परे आमे से परमं निकट रे निजर गभीर कृतज्ञता ज्ञापन करिबा नितांत आवश्यक श्रीमा दिव्यजननी कहंती इट इज इन प्रोपोर्शन टू आवर ट्रस्ट इन द डिवाइन दैट द डिवाइन ग्रेस कैन एक्ट फॉर अस एंड हेल्प अस भगवान को उपरे हमरो निर्भरतार अनुपात रे दिव्य कृपा कार्य करे और साहाज्य करे आमे जेते अधिक दिव्य कृपा उपरे निर्भर करिबा से अधिक आमको साहाज्य करिपारे तुम्हें जीवन में जितेबले कौन सी दुख कष्टर सम्मुखीन हुओ ताहाकु परम प्रभु ठारु एक कृपा बोली अनुभव कर तेबे यथार्थरे ताहा एक सुजोगरे परिणत हो ये कथा माँ कौन तो जीवन में दुख कष्ट आसिले आमे से आमर अंतरात्मार जागृति से आसी आमर उन्नति से आसी से यथार्थरे ताहा एक कृपा जो माने भगवान संपूर्ण रूपे निर्भर करिथांती से मानन को पाई जीवन रे सर्वोत्तम घटना ही संघटित होइथाय एहा अवश्य मानुषी दृष्टिकोण रु नुहे आमर चिंता अनुसार नुहे आमे जेमिति भाबुचे से रकम नुहे किंतु परम सत्यर धारा रे जो माने परमंक निकट रे निजकु संपूर्ण रूपे समर्पित देइछंती से माने सम्मुखीन होउथवा प्रत्येक असुविधा एक नूतन प्रगतिर प्रतिश्रुति बहन करिथाय ओ से माने ताहा परमंक द्वारा प्रदत्त एक उपहार एक गिफ्ट रूपरे ग्रहण करिथांती केतेक कहंती व्यक्तिगत प्रयास द्वारा सबु किछि प्राप्त करा दे पारे अन्य केतेक मत हला दिव्य कृपा सबु हासिल करे ए उभय मत अतिरंजित बोली कहिले अत्युक्ति हेबो नै उभयर भूमिका रही उभयर आवश्यकता रही साधक व्यक्तिगत प्रयास उपरे पूर्ण भरोसा रखी आगेला बेले अलंघ्य प्रतिबंधक सम्मुखीन हो हतोत्साहित हो जाए किंतु साधक दिव्य कृपा उपरे जदि विश्वास और निर्भरता थाए तेबे से कदापि धैर्य हराए ना गुरु प्रेरणा पाई आगे चले अन्य पक्षे व्यक्तिगत प्रयास बिना साधना तामसिक साधन परिणत हुए अवश्य व्यक्तिगत प्रयास पश्चात दिव्य कृपार हस्तक्षेप ही रही था दिव्य कृपा निमित्त दिव्य माने कृपा निमित्त कृत प्रयास ही एक दिव्य कृपा आमे जो चेष्टा करू से ही दिव्य कृपा तो कर्मवाद व्यक्तिगत प्रयास को समर्थन करे
कर्मवादर जुक्ति है व्यक्तिर पूर्वजन्मर स्वीकृति अनुजाई से भागवत साधना प्रति आग्रही हो पारी होई थाए। महापुरुष मैंने कही तुम्हें जदि पादे भगवान के दिगरे आगे भगवान दस पाद तुम निकट को आसीबे। छुआ चित्कार न कले माँ कोड़े नियंती ना पादे आगे छुआ चित्कार करवा जदि व्यक्तिगत प्रयास हुए अपर कार्यटी दिव्य कृपा बोली कहा तेणु दिव्य कृपा प्राप्त करने व्यक्तिगत प्रयास आवश्यकता रही तद्वारा तो साधना पथर आलस्य तामसिकता यही प्रकार सब मंद प्रतिबंधक गुड़िक दूर हो पारे। कृपार कार्यधारा किपरी तापर टे दृष्टिपात करवा दिव्य कृपा क्यों धारा कार्य करे ताहा मानुषी बुद्धि द्वारा कलना करवा असंभव। एठारे गोटाए उपकथार उदाहरण नियाजाई पारे। अतीतरे केरल प्रदेश गोटाए निवृत्त ग्राम रे जणे परम वैष्णव ब्राह्मण बास करथिले। प्रतिदिन तीन कोश दूर रे थिबा मंदिर को जाई विष्णु को दर्शन करी खाद्य ग्रहण करथान्ते। अति निष्ठावान अति भक्त विष्णु भक्त भजन कीर्तन रे खूब आग्रही हठात से कौन से एक अजणा रोग से पीड़ित हो तीव्र जंत्रणा अनुभव कले अनेक प्रकार चिकित्सा करी मध्य कौन सी उपशम पाइले नहीं। अदूर सहर रे जने विख्यात वैद्यंकर आरोग्य सदन थिला। सुदूर राज्य रु रोगी माने सेठारे चिकित्सित होई आरोग्य होतिले। वैद्यंकर खूब सुनाम थिला। ब्राह्मण सेठाकु जाई वैद्यंक सह परामर्श कले। वैद्यराज निरीक्षा परीक्षा निरीक्षा करी कहिले एही असाध्य रोग पाई एकमात्र उपचार रही अजगर सर्पर चर्बी प्रस्तुत तैल किसी सेवन कले एही रोग दूर हुए। यह ही एकमात्र उपचार अन्य कौन सी उपाय ना। ब्राह्मण धर्म संकट के सम्मुखीन हेले। सी तो आजन्म परम वैष्णव निरामिषाशी अजगर चर्बी किपरी सेवन करेंगे निराश हो से निज ग्राम को फेरी आसली। तांकरी परम आराध्य विष्णु मंदिर रे अधिया पड़िले। तृतीय दिन राति से स्वप्न देखिले जने शुद्धपूत दीर्घकाय ब्राह्मणंकर दर्शन से कहुचंती तुम ग्रामर पूर्व दिगरे जो झरणा अच्छी से अति प्रत्युषरु स्नान करी तीन आंजुला जल सेवन कर किंतु सावधान सूर्योदय होगा पूर्व एक मुहां घर को फेरी आसपरी तीन मस कले तुम्हें तुम रोग उपशम हो। एतक कही ब्राह्मण अंतर्ध्यान हो गले। श्री विष्णु को आज्ञा बोली ग्रहण करी रुग्ण ब्राह्मण विश्वास और निष्ठार सह तीन मस झरणारे स्नान करी अति प्रत्युषर तीन आंजुला जलपान कले। क्रमे रोगर प्रकोप कमी आसला और तीन मस पर से संपूर्ण आरोग्य लाभ कले। आनंद विभोर हो से सहर को जाई वैद्यों सह साक्षात कले ओ से किपरी जल चिकित्सा द्वारा आरोग्य लाभ कर विषय में अवगत कराइले। वैद्य आश्चर्य हेले से आदो विश्वास करें शास्त्र वाक्य मिथ्या हो न पारे ये रोगपाई अजगर चर्बी ही एकमात्र उपचार बोली तरक और सुश्रुत उभय शास्त्र लिखि जाती किपर संभव है से से वैद्यराज ब्राह्मण को कहले से स्नान करुवा झरणाटी देखापी दिने से ब्राह्मण ग्रामर पूर्व दिगरे झरणा निकट में वैद्यराज पहुंचीगले। झरणाटी निकटस्थ पहाड़ ऊपर झरी आसुए वैद्यराज पहाड़ चढ़ी किसी दूर आगे देखिले गोटे विराट अजगर से मरी पड़ी और तापर दे पा बही चल वैद्यराज एथर उद्बोध है शास्त्र वाक्य मिथ्या नुहे। किंतु दिव्य कृपार करामती अकाट्य अभ्रांत ओ मानुषी बुद्धि बहिर्भूत कृपार द्वैत प्रक्रिया जदि कृपार क्रिया को कलना करवा असंभव तेबे
निर्दिष्ट धारा रे उद्देश्यमूलक भाव कार्य करे साधक कृपा कार्य करे दुईटी धारा रे प्रथमतः मन हृदय रे शांति अवतरण करे समता प्रतिष्ठित हुए मनोभाव परिवर्तित हुए सत्ताटी अनासक्त रहे दैनंदिन जीवन रे घटना गुड़ी को परिवर्तन करिया पई ताहाठारे कौनसी व्यग्रता बा उत्तेजना प्रकाशित हुए नाही व्यस्तता भय आशंका क्रमागत भावे ह्रास पाए स्वतस्फूर्त भावे से ऊर्ध्व शक्ति उपरे निर्भर करे फलाफल बा परिणति द्वारा आतंकित हुए नाही दिव्य सत्तांग ठारे जहां आसे ताकु से संतोषर सह ग्रहण करे परमंग सह एक निर्भरशील संपर्क प्रतिष्ठा हुए आशंका और व्यस्तता बदल रे एक स्थिर प्रशांति प्राप्त हुए से दिव्य जननी कहते एंजाइटी इज लैक ऑफ कॉन्फिडेंस इन द डिवाइन ग्रेस यदि दिव्य कृपा पर आम विश्वास भरोसा न था आम व्यस्ततार कबलित तो हो गोटे दिगरे ये है गोटे दिग अन्य दिगरे एक क्रमबर्धमान शांति क्रियाशील थिला बले अन्य दिगरे व्यक्तिर अभिप्सा तीव्र हुए और व्यक्ति अग्रगति करिया उत्कंठित हुए सत्तार प्रत्येक स्तर रे कृपा को ग्रहण करिया पई सामर्थ्य वृद्धि पाए मनप्राण शरीर रे थिबा आबिलता और अशुद्धि लोप पाए अहंकार रो दौरात्म कमी जाए बंधन गुड़िक खुली जाए आसक्ति कमी जाए ऊर्ध्वगामी प्रयास सुनिश्चित हुए मन हो पारे यही सब अग्रगति व्यक्तिगत प्रयासर परिणति बोली किंतु यथार्थरे एहा दिव्य कृपार ही चाप और प्रवेगर परिणति अटे शुद्ध हेबा अभिप्सा करिबा और निवेदित हवा ए समस्त दिव्य कृपा जोगु ही संभव हुए दिव्य कृपा ही परिस्थिति को परिवर्तित कर दे पारे जहाद्वारा व्यक्ति अग्रगति करिपारे और निजे निजक अतिक्रम करने समर्थ हुए तेणु दिव्यजननी श्रीमा कहती दि ग्रेस इज समथिंग दैट पुशेस यू टुवर्ड्स दि गोल टू बी अटेन अर्थात कृपा एपरी एक विषय जहाँ तुमको हासिल करने को लक्ष्य दिगरे परिचालित करनी मनरे यह एक हितेषण जाग्रत करे आउ आनंद जाग्रत करे एथिसह आमे देखिबा जे ए कृपा केते प्रकार कृपा सब रही श्री अरविंद आश्रम विशिष्ट साधक प्रोफेसर जुगल किशोर मुखर्जी तांकर मत अनुसार आमे देखिबा जे कृपा को छ प्रकार कृपा विषय रे से उल्लेख करिछन प्रथमटी हैला सहायक कृपा बा हेल्पिंग ग्रेस जीवन रो अनिश्चित पथरे आगेला बेले साधक अंतर रे किंबा बाहर छोट बड़ असुविधार सम्मुखीन होइथाय सेतेबेले से निजर समस्त उत्कंठा उत्साह और निष्ठा प्रयोग करी तत्क्षणात भगवान साहाज्य भिक्षा करिबा आवश्यक जदि विश्वास निर्भरता निष्कपट और तीव्र होइथाय तेबे दिव्य कृपा निश्चित रूपे असुविधा टी मुक्त कर दिए किंतु जो माने सरल और निष्कपट नुहंती से माने भगवान को साहाज्य द्वारा उपकृत हुंती नहीं कारण से माने स्वयं से ही साहाज्य को फेराई दे थांती विपदरे साहाज्य करथवा जोगु एहा को सहायक कृपा बोली कहा जाय पारे द्वितीय हला सुरक्षा प्रदायक कृपा प्रोटेक्टिव ग्रेस जीवन पथरे मनीष अचानक कौन सी विपद बा संकटर सम्मुखीन होता है ए क्षेत्र में अजथा काल विलंब नक अबिचल भाव भगवान को सुरक्षा पई एक शिशु सुलभ सरलता सह प्रार्थना करने को है जो पर्यंत विपदटी अपसरी न जा प्रार्थना से कृपा को आकर्षित कर साधारण जीवन में यह संपर्क में अनेक नजर रही पुराण शास्त्र मानकर यार उदाहरण विरल नुहे जपरी व्याधर चक्रांत मृगुणी रक्षा पाई चक्रपेशी नक्रनाशी बंधन रु गज को श्रीकृष्ण उद्धार करते कुरुसभा
द्रौपदी को कोटि वस्त्र दे अंतर्जामी श्रीकृष्ण लज्जा निवारण कर तेणु दिव्य कृपार सुरक्षा सर्वदा एक अकाट्य रक्षा कवच परी कार्य सुरक्षा प्रदायक कृपा बा प्रोटेक्टिव ग्रेस बोली कह तृतीयटी है आरोग्य प्रदायक कृपा बा क्यूरेटिव ग्रेस जीवन में सामयिक बेमारी बा सांघातिक रोग व्याधि हवा एक स्वाभाविक घटना एपरी क्षेत्र में मनीष साधारणतः भगवान शरण और साहय भिक्षा करने व्यतीत अन्न्य सब उपाय अवलम्बन करथाय यथा डाक्तर वैद्य मानकर शरणापन्न होगा व्ययबहुल चिकित्सार व्यवस्था करवा ख्याति संपन्न विशेषज्ञ बा सुपर स्पेशलिस्ट मानकर परामर्श नेबा इत्यादि एहिपरि जावतीय प्रयास विफल हेला परे परिशेष रे जेतेबेले असहाय अनुभव करे हुए तो भगवान कथा मन पड़े किंतु जीव्य जननी श्रीमा कहिसंती हैव फेथ देयर इज नो डिसीज व्हिच कैन नॉट बी क्योर्ड बाय डिवाइन ग्रेस सेतिपई जेकोणसी रोगाक्रांत हेले भी छोट हो बड़ हो आमर सर्वप्रथम पदक्षेप हम दिव्य जननी को जनई दबा तांकु प्रार्थना करिबा आंतरिक भाव सरलता सह ओ अनुरोध करिबा विनम्र प्रार्थना करिबा अनुनय सविनय भावे तांकु प्रार्थना करिबा जे से आमको रोगमुक्त करिदन या प्रथम पदक्षेप डाक्टर परामर्श निश्चय करा जिवो किंतु सर्वप्रथमे आमे सही दिव्य कृपा पई प्रार्थना करिबा विश्वास रख एपरी कौन सी रोग नहीं जहाँ दिव्य कृपा द्वारा आरोग्य हो न पारे तेणु अन्य सब चिकित्सा उपचार सहित आरंभ रु विभु कृपा निमित्त विनम्र प्रार्थना आशु फल दे थाए किपर डाक्तर आसबे किपर मानते ठीक ट्रीटमेंट केमी हो पार ये सब संभव चतुर्थी है बरदायक कृपा बा डिस्पेंसिंग ग्रेस जीवन दीर्घ यात्रा पथरे विशेषतः एक सफल जीवन पाई किंबा एक आध्यात्मिक जीवन गढ़ी तोलिया पाई एक अनुकूल परिवेश और सर्वनिम्न केतेक उपकरण दरकार हुए ए सब आम केउठु बा किपरि पाइबु ताहा जानुना ए सबुर अंध अन्वेषण रे अनेक शक्ति और समय अपचय होइथाय अपरपक्षे जदि जने दृढ़ विश्वास और निर्भरता और समर्पित भाव सह एसबू भगवान निकट में गुहारी करे, तेबे एक चमत्कार घटना घटे दिव्य कृपा और परिस्थिति परिवेश को एपरी निखुण और सुंदर भाव सजाड़ी दिखती जे मन हुए ताहा ही प्रकृत में हेबार थिला और जहाँ सर्वोत्तम ताहा ही संगठित होइछे बरदायक कृपा बोली कह जाए गोटे छोट उदाहरण दबा मन कर जने माने सीरियसली योग साधना करने घर छाड़ी चली जावाक चाहूँ किंतु घरे बहुत दायित्व रही जमबाड़ी देखार अच्छे से तार सान भाई अंटाफुड़ी आसला मुझे देखी तुम्हें जाओ ये हूँ गोटे मानने भगवान आशीर्वाद सो आमती सब घटना सब घटव जमीक तार जो दिव्य लक्ष्य रही से दिगरे समस्त अंतराय सब दूरीभूत हो पंचमटी है चेतावनी दायक बा मार्गदर्शक कृपा वार्निंग एंड गाइडिंग ग्रेस जीवन यात्रा रे एपरी एक समय आसे जेतेबेले कौनसी दुर्लभ निष्पत्ति नहीं हुए ना कौन करणीय बा कौन वर्जनीय ठीक करिबा संभव हुए ना अज्ञानता जो किंबा अवहेला जो साधक भूल पथरे आगे नेबापाई आगभर होता है यार परिणति भयंकर हो पाए तार आध्यात्मिक अग्रगति व्याघात सृष्टि हो पाए हुए तो रसातलगामी करदेपे एपरी संकटमय परिस्थिति रे कौनसी घटना माध्यम रे किंबा व्यक्ति जरिया रे समाधान रो एक मार्ग आसी स्पष्ट इंगित मिलता है ए संक्रांत दिव्य जननी श्रीमांकर बाणी अनुध्यान योग्य इवन इन स्मॉल डिटेल्स द वेरी स्मॉलेस्ट नॉट टू स्पीक द बिग थिंग्स ऑफ लाइफ
the big decisions one has to take, even in the smallest things, whenever the aspiration for the truth and the will to be true are wholly sincere, then indications always come. Whenever there is a sincerity, you find that the help, the guidance, the grace are always there to give you the answer, and you are not mistaken for long. So, ये होची दिव्यजनों के निर्देश दे जत्ते वाले तुम्हें आंतरिक भावे से सहाय्य पे चाहिए मो सत्ते वाले दिव्य कृपा सर्वदा तुम्हें पाई उत्तर प्रदान करेगी। स्वस्थति हला मुक्ति प्रदायक बा रूपांतरकारी कृपा लिबरेटिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग ग्रेस साधना पथ कदापि पुष्पित और सौरदीप्त नुहे यह असंख्य दोष दुर्बलता बाधा विघ्न बंधन और प्रतिबंधक द्वारा समाकीर्ण साधक चेतना और अवचेतन अवचेतन सबकनसियस निवृत्त प्रदेश में केते जे दोष त्रुटि लुचि छपि रही तार योता ना केते जे दुर्बलता तार स्वभाव चरित्र रे कोण अनुकोण रे उंकी मार एपरी अजस्र दोष दुर्बलता निज चेतना और स्वभाव रु मूलोत्पाटन करिबा साधकर स्वल्प सामर्थ्य द्वारा आदौ संभव नुहे साधकर सामान्य प्रयास कौन यह संभव करिपारे कदापि नुहे एक क्षेत्र रे दिव्य कृपा ही एकमात्र भरोसा जदि विश्वास और निर्भरता और समर्पित मनोभाव नहीं दिव्य कृपा को आवाहन करा जाए तेबे साधकर दक्षता सहस्र गुण बढ़ी जाए आश्चर्यजनक चमत्कारिता परि सबु दोष दुर्बलता और प्रतिबंधक निश्चिन्न हो जाए साधक स्वयं जानिपारे नहीं यह किपरि संभव हला ए संपर्क रे दिव्यजननी श्रीमांकर प्रदत्त एक संक्षिप्त बाणी अनुध्यान करिवा हैव फेथ इन द डिवाइन ग्रेस एंड द आवर ऑफ लिबरेशन एंड ट्रांसफॉर्मेशन विल बी हेसेड एहार भावानुवाद हला दिव्य कृपा उपरे विश्वास रख मुक्ति को रूपांतरर समय त्वरान्वित हो ये होची छ प्रकार चिंताधारा जे छ प्रकारे दिव्य कृपा कार्य करी पारे और अनेक अनेक हमें धारणा करी परिवार किंतु ये गोटे निर्दिष्ट गोटे विशेष चिंताधारा तापरे हमें देखिबा जे अनेक समय रे एपरी किछि घटना घटे जहाँ कि हमें हमको कष्टदायक होता है हमें भावु दिव्य कृपा हमको छाड़गला आम उपर दिव्य कृपा नहीं आम असुविधा असुविधार सम्मुखीन हो किंतु परवर्ती काल में देखा जाए से घटना से विपद से असुविधा प्रकृत में दिव्य कृपार एक निदर्शन थिला एही संक्रांत रे आउ एक कहानी उपस्थापन करने को जाऊँ ये होची द्वादश शताब्दीर कथा सेतेबेले देशरे मुसलमान माने राजत्व करथिले पठान माने ग्राम सहर जनबसती उपरे आक्रमण करी धन संपत्ति सब लुटी नेउथिले ओ अकथनीय नरसंहार करी भय ओ आतंकर वातावरण सृष्टि करथिले एपरी एक समय रे गोटे जनबहु ग्राम को जने साधु आसी पहुंचले ग्रामवासी मैंने साधु को देखी अति आनंदित हेले और से ही ग्राम रे किछि दिन रही धर्मोपदेश देवा लगी अनुरोध जनाए साधु साधना जेपरी कौनसी व्याघात कौनसी प्रकार बाधा सृष्टि न हुए व्याघात न हुए से लगी से ग्रामर नदी कूल एक विराट बटवृक्ष मूल सुंदर कुड़िया निर्माण करदे
ओ प्रतिदिन पाली करी निष्ठार सह से साधुंकर सेवा करिया पई चेष्टा कर संध्या बेले साधु प्रवचन दियंती ग्रामर सबु वर्गर लोक आसी जोग दियंती प्रवचन शेष हेले केही केही निजर समस्या ओ असुविधा जणाई साधुंक ठारु परामर्श लोडिथान दिने ग्रामवासी पोषिथिबा सबु कुकुडा कौनसे एक अजणा रोगरे आक्रांत होई मरिगले लोके साधुंक जणाइले साधु मौन रहिले ता परदिन ग्रामरे थिबा सबु कुकुर कुआडे चली गले हुए तो निकटस्थ ग्राम को चली गले जो भोजी भात होता सी खावा मिली हुए तो से उभय गले से माने गाँ टी को चोर तस्कर डकायत मान आगमन सूचना दे पारे यह साधु गोचर को निगला साधु केवल कहले सबु ईश्वर कृपा ईश्वर जहा करती ता प्राणी मंगल सकाश ता पर देखागला जे से दियाशिली आविष्कार हो ना 1826 मसीह दियाशिली आविष्कार है से तो पथर को पथर घसी लोक मैंने निया उत्पन्न करते तो देखागला जे पथर रु जिते घसिले बाड़े भी सीतर निया बाहर ना से कौन सी पर चूली जलिला ना समस्ते रोष करेंगे केमी खाइबे कौन समस्ते जा साधु को समस्या जनइले साधु कहले सबु ईश्वर इच्छा आज दिन जेकोस मत चल चूड़ा मुढ़ी खाई कटेदेपर चिंता करवा पर प्रत्युष सका दूर घोड़ा मान टापू शब्द शुणाला ग्रामरक्षी और केतक साहसी ग्रामर जुवक ग्राम को प्रवेश करुवा रास्ता बांक पहाड़ को चढ़ी कथा कण लुचि देखिले देखिले जे दूर आकाश को धूली उठुची अनेक अश्वारोही सशस्त्र अश्वारोही घोड़ा चपटाई गाँ अभिमुखे आस गाँव युवक मान आत्मगोपन कर कौन घटा आतंकित तो से पहाड़ रे लुचि देखु था इत्यवस गाँ फांकर से पहाड़ पाख को घोड़ा सवार आसी पहुंचीगला से ही दलर सर्दार मुखिया नेता समस्त को अटकी जावाई निर्देश देले और घोषणा कला सैनिक गण गाँ छाड़ी लोक मान चली जाती जना पड़ी ये गोटाए निर्जन ग्राम जनबसती ना कुकुड़ा राबु ना कुकुर मान राब शुभ ना कि चाउल उपर वर्तमान सका जो धूआ बाहर कथा से धूआ बाहर ना तेणु अजथा कहीं समय नष्ट आम अन्त्र चली जा घोड़ा सवार करी ओलटी पल और ग्रामटी महाविपदर रक्षा पाइला तो प्रथम जो सब घटना घटला से सब गोटाए असुविधा और गोटाए गोटे प्रतबंधक भाई जना पड़े भी परवर्ती काल से साधुंकर दिव्य कृपा आवाहन फल कथाटी विषयटी अन्य दिगरे मोड़ नेला से दिव्य कृपा को भले केपरी आम जीवन में भी सेमती अनेक घटना घटी था आम भाव ये असुविधा भगवान मत गोटे असुविधा पकेले किंतु अनेक दिन पर आम देखा यही जो असुविधा टी आम सम्मुखीन होते प्रकृत ताम को बलियान करमर अग्रगति में साय कर आज ये रखा कारण ये दिव्य कृपा जमी असीम यार व्याख्या सेपरी असीम अनेक कथा रही सीमित समय और अवधि मध्य समस्त कथा उपस्थापन करवा संभव नुहे तेरे जत्किंचित मोर सीमित ज्ञान और सीमित समय मध्य जहाँ कि व्यक्त करने उपस्थापन करने चेष्टा कर
ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉମାନେ ଧୈର୍ଯ୍ୟର ସହ ଶୁଣିଛନ୍ତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଧନ୍ୟବାଦ। ଦିବ୍ୟଜନନୀ ଶ୍ରୀମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅନେକ ଅନେକ କୃତଜ୍ଞତା ଓ ଦିବ୍ୟଜନନୀଙ୍କର ଜୟ ହେଉ। ବନ୍ଦେ ମାତରମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟିଏ ମିନିଟ୍ ମାଙ୍କ ନାମ ଜପ କରିବା ସହିତ ଆଜିର ପାଠଚକ୍ରକୁ ସମାପ୍ତ କରିବା। ma 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 ma